गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज हम करने वाले हैं कुछ अमेजिंग ग्राउंड साउंड मूव्स और ये दिखने में बहुत अमेजिंग होते हैं। एक्चुअली मेरे रील पे किसी ने कमेंट किया था कि भाई प्लीज़ यार ये ग्राउंड मूव्स की ट्यूटोरियल बनाओ ना, तो आज हम इसका ट्यूटोरियल लेकर आए हैं और आज हम करने वाले हैं अमेजिंग ग्राउंड मूव्स। तो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। ग्राउंड मूव्स बहुत आसान है, ये देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन ये इतना मुश्किल है नहीं। फिर हम बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस हमारा पहला स्टेप होगा, हमें पहले स्टेप में क्या करना है, आपको बॉल को पीछे करना है। पीछे फर्स्ट स्टेप होगा हमारा, बॉल को पीछे करना है ऐसे। हाँ देखो, इस देखो जब आप पीछे कर लोगे तो इतना श्योर मेक श्योर कि आपकी जो बॉल है वो ज़्यादा पीछे ना आए, क्योंकि अगर ज़्यादा पीछे आएगी तो आपकी बॉल वहाँ पीछे चली जाएगी, ऐसे हो सकता है। तो गाइस आपको क्या करना है, बॉल को पहले पीछे करना है, ज़्यादा पीछे नहीं, इतना कि आप बॉल को रोक लो आराम से। रोक ली, पीछे कर लिया, ये हमारा स्टेप वन। सो गाइस हम चलते हैं स्टेप टू की तरफ। स्टेप टू में आपको क्या करना है, जब आप बॉल को पीछे करोगे तो आपको, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे हम नॉर्मली स्किल में ऐसे करते हैं, पीछे करके ऐसे पास देते हैं, बस आपको कुछ ऐसे ही करना है। लेकिन पास यहाँ से नहीं करनी, आपको क्या करना है, ऊपर से पीछे किया और ऊपर से रोकना है और फिर यहीं से ऐसे बॉल के ऊपर पैर रखो, उसको पीछे करो और ऊपर से ही रोकना है अपने टो से, ये जो टो है ना इससे रोकना है। तो गाइस आई होप आपको ये स्टेप समझ में आ गया है, तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो दोस्तों आपको अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में आपको क्या करना है, जब आप बॉल को पीछे करोगे तो फिर आपको ये जो बॉल है इस साइड कर देनी है अपने, इस जिस तरफ आप पीछे करोगे उसके अपोजिट साइड, मतलब सामने की तरफ। ये मेरा, जैसे मेरा स्ट्रॉन्ग फुट है राइट, तो मैं इसको राइट से पीछे करूँगा और फिर लेफ्ट की तरफ कर दूँगा और देन आई विल होल्ड इट बैक टू माई लेफ्ट फुट। मतलब जब आप इसको लेफ्ट पैर से अपने पीछे करोगे, देखो आपको ये चीज़ में ध्यान रखना है, जैसे मैंने बॉल को ज़्यादा पीछे कर दी, बॉल निकल गई, तो मेक श्योर कि आप बॉल को ज़्यादा पीछे ना करो। जब बॉल आगे पहुँच जाएगी तो अपने लेफ्ट पैर से रोक लो। अगेन मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपने पीछे करी राइट पैर से रोकी एंड देयर, ये और लेफ्ट पैर से रोकी, पीछे करी साइड में करी रोकी लेफ्ट पैर, बहुत आसान है, देखने में थोड़ा सा निकला। देखो फिर देखो क्या करना है, बॉल को अपने राइट पैर से पीछे करना है। हाँ अगर आप जैसे लेफ्ट फुट हो तो आप इसको लेफ्ट फुट से कर सकते हो, मतलब अगर आपका स्ट्रॉन्ग फुट लेफ्ट है तो आप इसको लेफ्ट से करो, ऐसे पीछे करी बॉल को साइड में कर दी और राइट पैर से रोकी, वैसे ही राइट में है और ऐसे ही लेफ्ट में है। बस आपको मेक श्योर कि आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से ताकि ज़्यादा कोई आपको दिक्कत ना आए, और हाँ आपकी बॉल जितनी कंट्रोल में होगी उतना अच्छा होगा। सो गाइज चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। सो गाइज आई होप आपको ये स्टेप समझ में आ गए, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जब आप बॉल को पीछे करके ये अपने लेफ्ट पैर से रोक लोगे, जो भी आपका वीक फुट होगा उससे जब आप रोकोगे, आपको उस फुट से बॉल को वापस पीछे करनी है और अपने राइट पैर से पकड़ लेनी है। फिर दिखाता हूँ मैं, ये आपने ऐसे करके पीछे कर दी रोकी, अपने उस फुट से वापस बॉल को पीछे करिए और अपने स्ट्रॉन्ग फुट से रोक लिए। तो देखो ये कुछ ऐसा है, देखो देखने में कुछ ऐसा है, ऐसे करके पीछे करी और पीछे करके रोकी और फिर हम इसको वापस आगे कर देंगे। हाँ मेक श्योर अगर आपको ये स्टेप आ गया तो फिर आपका कुछ नहीं बचा, आपका एक लास्ट स्टेप है सिंपल सा। एक बात का ध्यान रखना, जब आप बॉल को आगे रखोगे तो ये वाला पैर आपका पीछे जाएगा ऐसे, दिखने में डांस मूव की तरह लगता है ऐसे। इसको थोड़ा सा ऐसे प्रैक्टिस करना, वन टू, इससे आसानी होगी आपको, मतलब फिर ये नहीं होगा कि पहले मेरे को शुरुआत में कैसे होता था, वन किया टू किया थ्री किया फोर किया, ये गलत होता है, ऐसे नहीं होता। हमें इस पैर से ज़्यादा जंप लेना है। देखिए स्टेप वन में हमें क्या करना है, जब हम बॉल को पीछे करेंगे तो हमें अपने लेफ्ट, ये लेफ्ट फुट से आगे की तरफ जंप लेना है, कैसे देखो वन, उसके बाद हमें इस पैर से उधर कर देंगे बॉल को टू,
उसके बाद जब हम वापस करेंगे, होल्ड करी हमने अपने स्ट्रॉन्ग फुट से, उसके बाद जब हम इस पैर से आगे करेंगे तो हम अपने लेफ्ट फुट को पीछे की तरफ जंप करेंगे फोर। तो गाइज मैंने तो आपको बता दिया कि ग्राउंड मूव कैसे करेंगे, अब बाकी प्रैक्टिस का काम आपका है। और मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करिए, और हाँ आप जंप लेने की कोशिश, जितनी अच्छी होगी आपकी जंप इस पैर से, मतलब वीक फुट से जितनी अच्छी आपकी जंप होगी उतनी अच्छी आपकी स्किल होगी। और हाँ आप ये एक्चुअली आपके बॉल कंट्रोल में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, अगर आप ये एक बार सीख जाते हैं तो आपका मतलब गेम अमेजिंग है, मतलब आपकी कंट्रोल की अमेजिंग। सो गाइस आई होप यू लाइक माय वीडियो, और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, अगर आपके दोस्त फुटबॉल खेलते हैं ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि अगला ट्यूटोरियल मैं किसका बनाऊँ।